अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद आज के इस प्रोग्राम हालात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का मकसद है इंतहा पसंदी यानी आतंकवाद का विरोध। आतंकवाद वो नासूर है जो आज हमारे समाज के सीने पर रिस रहा है, एक ऐसा नासूर चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया हो या दुनिया के अलग अलग ममालिक हों, हर जगह नासूर की तरह आतंकवाद ने, इंतहा पसंदी ने, टेररिज्म ने हमारे समाज को अपने घुटने के नीचे दबाया हुआ है और हमारा समाज किसी बीमार, किसी मरीज, किसी मजबूर इंसान की तरह तड़प रहा है, सिसक रहा है। क्या हम सब लोग, तमाम दुनिया और तमाम दुनिया के तमाम ममालिक आतंकवाद और इंतहा पसंदी का विरोध कर रहे हैं? आज हम सब मिलकर उसी आतंकवाद का विरोध करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आतंकवाद से कामयाबी के साथ लड़ा जा सकता है, क्या आतंकवाद नाम के इस नासूर को अपने समाज के सीनों से नोच कर गंदगी के डिब्बे में डाला जा सकता है, क्या अपने समाज को पहले की तरह वापस सेहतमंद किया जा सकता है। आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका तारुफ कराऊं आज के मेहमानों से। हमारे पैनल के पहले मेहमान हैं जैद खालिद पटेल साहब, इस्लामिक स्पीकर जैद खालिद पटेल साहब, मैं और मेरे नाज़रीन आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावन जी। सुधीर सावन जी, हम और हमारे नाज़रीन आपका इस्तकबाल करते हैं। सलाम। नाज़रीन, इसी तरह हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं सलीम अलवारे साहब, सोशल वर्कर हैं। सलीम साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल नाज़रीन ब्रिगेडियर सावन जी से है। आइए पहले मैं उनका छोटा सा एक तारुफ करा दूँ। ब्रिगेडियर सावन जी का ताल्लुक, जैसा कि आपको नाम से महसूस हो रहा होगा, आर्मी से है। आपने 1991 तक आर्मी में सर्व किया, उसके बाद आप सियासत में आए, मेंबर राज्यसभा रहे, मिसेस सोनिया गांधी के सेक्रेटरी रहे, महाराष्ट्र में विधायक रहे और अब मुसलसल समाज की खिदमत में हैं और एक पार्टी चलाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्योंकि आपने आर्मी को बहुत करीब से देखा, आपने समाज को बहुत करीब से देखा, आप कश्मीर में रहे, कश्मीर से सियाचिन तक आपने सर्व किया, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे ये आतंकवाद है क्या और क्यों है, बुनियादी सवाल है। हाँ, पहले तो मैं लोकसभा में सांसद था और आपने जो सवाल पूछा है उसका यूनाइटेड नेशन में अब तक जवाब नहीं दे सकते कि आतंकवाद क्या है, क्योंकि एक इंसान का आतंकवादी दूसरे का फ्रीडम फाइटर होता है और इसलिए भारत में इसको जो कहते हैं या दुनिया में, ये एक सियासती खेल है। इसका मजहब से, सामाजिक व्यवस्था से, अर्थनीति से, इकोनॉमी से कोई रिश्ता नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल है। जैसा कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत की पूरे दुनिया में और भारत में खासकर डिवाइड एंड रूल के हिसाब से, पूंजीवाद जो है, दुनिया का पूंजीवाद पैसे के चक्कर में उनका खेल रहता है आतंकवाद। और जैसा मैंने देखा, अभी जो ब्रिटिश लोग ने हमको तोड़ के चले गए और वो सिलसिला चलते रहा है अभी। आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के कुछ ममालिक बाकी तमाम दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए टेररिज्म को, आतंकवाद को और इंतहा पसंदी को किसी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत सारे हमारे पास अभी प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं है। चलिए मैं आपके पास आता हूँ इन प्रूफ्स पर डिस्कशन करने के लिए। उससे पहले दोस्तों, हम सलीम अलवारे साहब से बात करेंगे। सलीम अलवारे साहब हमारे सोशल वर्कर हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों के मसाइल के लिए काम कर रहे हैं और नौजवानों की इक्तसादियात के लिए काम कर रहे हैं। सलीम अलवारे साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये आतंकवाद क्या है? मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को भी और मेरे साथ में जो पैनल पर लोग बैठे हैं उनको, कि आतंकवाद का तारुफ ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो लोग मुलविस होते हैं वो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कभी कोई मज़हब के नाम पर आतंकवाद करता है, कभी कोई स्टेट के नाम पर आतंकवाद करता है, कभी कोई ज़बान के नाम पर आतंकवाद करता है, कभी कोई इलाके के नाम पर दहशतगर्दी की हरकतें करता है। इसमें कभी कभी ऐसे लोग मुलविस होते हैं जो शिद्दत पसंद मज़हबी होते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, इंतहा पसंद है, इंतहा पसंद है। कभी कभी इसमें कुछ ऐसे नौजवान मुलविस होते हैं जिनको महज छोटी सी लालच के लिए कोई एक खास काम, मखसूस काम दिया जाता है शिद्दत पसंदी का, कि भाई ये टारगेट है, ये आप इसको, इसको आपको अंजाम देना है।
वो नौजवान बिल्कुल बेखबर होता है कि वो क्या करने जा रहा है, उसके महरिकात क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। उसको सिर्फ ये मालूम है कि मुझे एक मखसूस रकम मिलने वाली है, 25,000-50,000, बहुत ही छोटी रकम होती है, और उसके सिले में उसे ये कहा जाता है कि काम आपको करना है। वो बिला अंजाम की परवाह किए, बिला सोचे समझे उस काम को अंजाम करता है और उसके बाद उसका वो नतीजा भुगतता है। मेरे कहने का मतलब ये कि आतंकवाद की हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। अभी जैसा सावंत साहब ने कहा, एक इलाके के लिए एक शख्स आतंकवादी हो सकता है और दूसरी कंट्री के लिए वो वहाँ एक मुजाहिद भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे मामला हमारे सामने आए हैं। बुनियादी बात यह है कि क्या हम लोग इसको रोक पाएंगे या इसके जो महरिकात या जो इसके असरात अवाम में जो आ रहे हैं, एक आतंकवाद का एक हादसा हो जाता है कहीं पर, इस मुल्क में बात करता हूँ, उसको जब इस्लामी दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है तो इस पूरे मुल्क का मुसलमान सख्ते में जाता है, वो अपने आप को मुजरिम तसव्वुर करता है। मैं आपके पास आता हूँ जी। सलीम साहब, बहुत अच्छी आपने अभी बात कही कि इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा जाता है। ये इस्लामिक आतंकवाद क्या है, कि आतंकवाद का भी कोई मजहब होता है? आइए इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जैद खालिद पटेल साहब हैं हमारे पैनल पर। जैद साहब सोशल वर्कर हैं और पिछले 17 सालों से इस्लामिक स्पीकर हैं। पिछले 17 सालों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जाकर इस्लाम का प्रोस्पेक्ट्स बताते हैं। जैद खालिद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इस आतंकवाद के चेहरे पर जो ये इस्लाम का नकाब लगाया गया है, इसका और इस्लाम का कितना ताल्लुक? इस्लाम जो 1400 साल से पीस का और अमान का मजहब कहलाता रहा, इस्लाम के पैगंबर जिनको अमीन कहा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका मजहब क्या आतंकवाद, टेररिज्म, क्या इंतहा पसंदी का हामी है? और अगर 1400 साल तक नहीं था तो अचानक अब कैसे हो गया है? क्या वजह है, क्या रीज़न है? क्या कोई इन इस्लाम वालों के साथ खेल रहा है या इस्लाम वाले खुद गुमराह हो गए? क्या इस्लाम वालों के नाम पर लोग टेररिज्म कर रहे हैं या ये इस्लाम वाले खुद इस्लाम से हट गए? मैं आपसे जानना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबी अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पहले से जवाब शुरू करना चाहूँगा जो आपने बात कही थी, और मैं स्टार्टिंग से जो डिस्कशन फॉलो कर रहा हूँ, और ज़रूरी है, हम सब एक कॉज के लिए यहाँ जमा है और हम सब का एक मकसद है कि हम कुछ रोल अदा करें, और मैं समझता हूँ सारे नाज़रीन और इंडिविजुअली हर एक इंसान सोल्यूशन का हिस्सा ज़रूर बन सकता है। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि सही डायग्नोसिस अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे अहम और पहला कदम है। तो आप डायग्नोसिस में जो ये अल्फाज हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में भी इस्तेमाल होते हैं, कि जैसे इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज्म, अब ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई अगर इंतहाई सच्चा है, इंतहाई ईमानदार है, इंतहाई ऑनेस्ट है, इंतहाई अच्छा है, तो उससे किसी इंसान को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? तो इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, एक्सट्रीमली सच्चा है, एक्सट्रीमली अच्छा है, तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो हकीकत में क्या एक्सट्रीमिज्म रियली प्रॉब्लम है? तो हमें देखना है कि इंतहा पसंदी ये जो लफ्ज़ है, और क्या बिलीव्स कोई फॉलो कर रहा है जिन्हें वो इंतहाई फॉलो कर रहा है? मान लीजिए अगर बिलीव्स खुद ही गलत हैं और वो गलत है, इंतहाई बुरा है, इंतहाई चीटर किस्म का इंसान है, तो नेचुरली बुरी बात है। दूसरी बात, जैसे श्रद्धा का मामला है और श्रद्धा अच्छी प्रिंसिपल्स के तहत हो, क्योंकि एक बात श्योर है कि सारे इंसानों का मालिक है, और जो हम सब का मालिक है वो एक है, और वो मालिक हमें रास्ता बताता है, और इंसानों के लिए जो रास्ता आया है वो रास्ते पर जो चलेंगे जो लोग, वो इंतहाई उस रास्ते पर चल के इंसानों के लिए भलाई का ज़रिया बनेंगे। अब हम जब ये देखते हैं कि ये एक डेफिनेशन को देखते हुए हम टेररिज्म के डेफिनेशन को अगर देखें, और ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा और अलवारे साहब ने भी उसकी बिल्कुल तारीफ की कि कोई यूनानिमिटी इसमें मिलती नहीं, हम वो डिक्शनरी डेफिनेशंस लेकर अगर यहाँ रिपीट करें तो कोई मकसद तो हल नहीं होने वाला। एक बात ज़रूर है कि आम आदमी की ज़ुबान में जो आम लोगों में दहशत फैलाते हैं उसे दहशतगर्द कहते हैं, और उस दहशतगर्दी को आम लोग बुरा समझते हैं कि भाई जो मासूम इंसान है उन्हें परेशान करते हैं, मासूम इंसानों में दहशत जो फैलाई जाती है वो तो एक मानी हुई बात है कि बुरी बात है, और इस्लाम ने तो अमन सिखाया है, पीस का रास्ता सिखाया है, और यही सिखाया है कि इंसाफ किया जाए, अच्छाई फैलाई जाए माशरे में, हर किसी को जीने का हक है, ऊपर वाले ने इंसानों को इख्तियार दिया, चॉइस दिया, चॉइस ये दिया कि आपको चाहिए तो सही रास्ते पर चलें, चाहे तो गलत रास्ते पर चलें, चाहे तो अच्छा करो चाहे तो गलत करो। तो कोई एक इंसान दूसरे इंसान को फोर्स नहीं कर सकता बिलीव्स के मामले में। हाँ, कुछ लॉज है जो इंसानों को मानना है और वो लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन बिलीव्स के मामले में तो फुल इख्तियार ऊपर वाले ने दिया है। यहाँ एक बड़ा सवाल है खालिद साहब, बात थोड़ी सी तल्ख है मगर सच्ची है। अभी एक वाक़े को मैं मिसाल के तौर पे लेता हूँ। पाकिस्तान पेशावर में एक वाक़या हुआ जहाँ कुछ लोगों ने
स्कूल में आकर कुछ मासूम बच्चों को मार डाला। मारे जाने वाले बच्चे, उनके माँ बाप और उनके ख़ानदान और मारने वाले और उनके लोग, उनका ममालिक, सब के सब मुसलमान थे। उनमें से कहीं किसी का भी ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो नज़र आता है किसी और दूसरे मज़हब से नहीं था। अगर ये टेररिज्म है तो ये क्या, कौन सा किस्म का टेररिज्म है? और अगर ये जिहाद है तो ये कौन सा जिहाद है जिसकी इजाज़त इस्लाम और कुरान मेरे नज़दीक तो नहीं देता? ये कौन से किस्म का है? ये क्या है? ये क्या वजह है? ये क्या है और क्यों हो रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो श्योर है कि इस्लाम ओरिजिनल सोर्सेज से हम जाकर देखें तो कुरान में क्लियरली समझाया गया है। कुरान की आयत है सूरह मायदा की, सूरह 5 आयत नंबर 32, मन कतल नफसन बग़ैर नफसन और फसाद फिलत फ़कानमा कतल नासा जमिया। किसी ने एक मासूम जान को मार दिया तो ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों को मार दिया। और इसमें जो नफ्स दिया गया है उसमें ये नहीं दिया गया कि मुस्लिम जान, ये मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एक मासूम जान को कोई मारता है, उसने एक को नहीं मारा, ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों को मार दिया। वमन आहिया, और जो एक जान को बचा ले, फकानमा आहिया नासा जमिया, ऐसा है जैसा कि सारे इंसानों को बचा लिया। तो ये तो इंसानी जान की कदर कीमत है। लेकिन मेरे भाइयों, और मैं आपसे कहूँगा, नाज़रीन से कहूँगा, और हम सब के लिए बहुत अहम बात है कि कई बार कई चीज़ें होती हैं जो लोग रिएक्ट करते हैं कि सामने ये हुआ, बहुत बुरा हुआ। और बहुत कॉमन सी बात है कि नॉर्मली कोई भी आतंकवाद का इंसिडेंट ग्लोबली होता है तो फर्स्ट थप्पा लगा दिया जाता है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। ये कॉमन ट्रेंड 9/11 से चल रहा है और ये ट्रेंड को लोग फॉलो करते आए हैं। तो क्या ये इंसाफ की रोशनी में सही है? हम देखते हैं कितने सारे मासूम लोगों पर कितनी सारी चीज़ें हुई है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि फ्रंट में एक चीज़ हो रही थी, मीडिया ने एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ब्लेम किया, वो कैटेगरी के लोगों को पकड़ करके हैरेस किया गया, जेलों में डाला गया, बाद में जाके पता चला कि ये लोग इनसेंट है और किसी और ने किया था। और ये एक टाइप का प्ले था, लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है, लोगों के जज्बात को गलत तरीके से उभारा जाता है और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है इन रियलिटी। तो हम सबको एक संजीदा इंसान होने के तौर पर, एक सेंसिबल ऊपर वाले ने हम सबको अकल दी है सोचने के लिए कि आखिर में ये जो चीज़ें हो रही है इसके पीछे का जो एजेंडा है वो आखिर में हम कब पहचानेंगे। और हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो एक आम इंसान है वो तो अच्छे से रहना चाहता है। आम इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी और के साथ जाके झगड़ा करे, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो आम इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है सब सारे इंसिडेंट्स के रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन की वजह से। और वो लोग जो ऐसी चीज़ कर रहे हैं वो अपने मकसद को करने में कामयाब काफ़ी हद तक हो रहे हैं, लेकिन कब इस तरह की अवेयरनेस हमारे अंदर पैदा होगी, ये हमारे लिए बहुत अहम सवाल है। क्या खूबसूरत बात कही जैद खालिद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, आप कश्मीर में रहे और कश्मीर के नौजवानों के करीब रहे, और मैंने सुना कि कश्मीर के वो नौजवान जो अपने रास्ते से भटक गए थे उनमें से बहुत से नौजवानों को आप रास्ते पर लाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कश्मीर में मौजूद या कश्मीर के बाहर या दूसरे हिंदुस्तान में जो जहाँ जहाँ आतंकवाद के जो जो चेहरे हैं, क्या उन तक कुरान पाक की आयतें नहीं पहुँचती? क्या बताने वाले उनको नहीं बताते कि इस्लाम इस बात का हामी है और तुम्हारा खुदा तुम्हें सजा देगा इस बात पर, अगर तुमने किसी एक इंसान को कत्ल कर डाला तो सारी इंसानियत को कत्ल करने जैसी सजा तुमको मिलेगी? क्या उन तक ये पैगाम नहीं पहुंचता? और अगर पहुंचता है तो क्या वो मानते नहीं? और अगर वो नहीं मानते तो उनके ना मानने का सबब क्या है? ये इस्लामिक टेररिज्म जो बोलते हैं ये प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। अभी सऊदी अरेबिया है इस्लामिक टेररिज्म है, या गल्फ स्टेट्स है, जॉर्डन है, इनको नहीं बोलते हैं लोग, तुर्की है। प्रॉब्लम यह है ये सियासती मामला, ये जान के ये रिलीजियस मामला नहीं है। राइट, ये जान बूझ के किया था। अभी जैसे कश्मीर में हमने तो टेररिज्म खिलाफ ही काम किया है, लेकिन टेररिज्म उधर क्यों था ये कोई सोचता नहीं है। वही बात जो कश्मीर में, वो आसाम में, गढ़चिरौली में, झारखंड में, सब जगह वही बात है, रोटी कपड़ा मकान। आज भी कश्मीर में रस्ते नहीं है गाँव में, आज भी पानी नहीं होता है, आज भी वहाँ पर रॉकेट लेके जाना पड़ता है, नौजवान घुसना होते हैं सियासत से, और सियासत करने वाले सब मुस्लिम ही है ना वहाँ। तो हम लोग ने ये बात समझाई बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, और 2500 टेररिस्ट को सरेंडर कराया एक दिन, 2500 94 में हथियार रखे उन्होंने। कुकू पेरे उनके लीडर थे, वो MLA बन गए 95 इलेक्शन में, उनका मर्डर भी हो गया। फिर बाद में इनके साथ बहुत बुरा होने लगा, और इसलिए जब मैं गया था कश्मीर में ये सब मिले मुझे, फिर हम लोग ने देखा कि अन्याय हो रहा है, ये तो मुस्लिम ही थे ना। तो फिर उनको हमने गवर्नमेंट को बहुत मूवमेंट करना पड़ा, 4 साल लगे, ये सारे आतंकवादी जो थे उनको फिर आर्मी में लिया, और साथ में 8000 की कश्मीर में फौज बनाई गई है, 8 बटालियन से 8000 कश्मीरी मुसलमान वहाँ पर फौज में है, और वही आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का काम किया है। लड़ना भी नहीं पड़ा है,
क्योंकि हर गांव से 10-15 लोग जब फौज में आए हैं तो गांव में टेररिस्ट को एंट्री बंद हो गई है, इसलिए आज 75% वोटिंग कश्मीर में हुआ है। इसलिए आर्मी का गलत प्रोपेगेंडा हुआ है। आर्मी क्या बोलती है, आतंकवाद को बंदूक के गोली से नहीं जीत सकते है, आतंकवाद को दिल और दिमाग को जीत के खत्म करना पड़ता है, और दिल और दिमाग को जीतने का काम। और ये आर्मी का स्टेटमेंट, आर्मी का रूल है, स्टेटमेंट नहीं है, ये कानून है। मुझे इस्लामिक टेररिज्म के बारे में यही कहना है कि वो टेररिस्ट है जैसे नक्सलवादी टेररिस्ट है, उधर झारखंड में माओइस्ट है, ये वैसे ही टेररिस्ट है। रीजन वही है, यही टेररिस्ट जो थे कल पुलिस बन गए और आर्मी के बन गए और टेररिज्म खत्म हुआ। इसे इस्लामिक टेररिज्म का सवाल की तरह। लेकिन प्रॉब्लम कैसा हुआ है, आप खुद ही कह रहे हैं, यहाँ पर जो पैनल में लोग बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम लोग बात इस्लामिक टेररिज्म की कर रहे हैं, आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि हिंदू टेररिज्म या बर्मिस लोगों का बर्मिस टेररिज्म या LTTE वालों का श्रीलंकन टेररिज्म। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, कहीं पर भी डिबेट में जाओ, कहीं भी प्रॉब्लम में जाओ, जो इंटेलेक्चुअल तबका भी है वो तमाम चीज़ों को इस्लामिक टेररिज्म पर आकर ख़त्म करता है। उसकी वजह से क्या हो गया है कि सिर्फ इस देश का मुसलमान नहीं, आज पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं, मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि कभी शहर में कोई हादसा हो जाता है, हमको नहीं मालूम किसने किया है, क्या ये वाकई करने वाले मुसलमान थे या किसी और का काम है, ये हमारे तक ये बात नहीं पहुंच पाती। जैसे ही कोई वाकया हो जाता है इसको IM के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी दूसरी टेररिस्ट आउटफिट के साथ जोड़ा जाता है, फिर हम लोगों को लगता है कि हम ही मुजरिम हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ब्रिगेडियर सावंत साहब कि आप जैसे लोगों को आगे आकर, हम ये कहते हैं ना इस्लामिक टेररिज्म से वो इस्लाम को हटाना पड़ेगा, सिर्फ टेररिज्म लफ्ज को रखना पड़ेगा, फिर इस टेररिज्म के खिलाफ पूरे मुल्क के लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात इन्होंने जो कहा मैं उसको, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप छोटे लेवल पर देखते, गांधी को किसने मारा, फिर पानसरे को किसने मारा परसों, फिर दाभोलकर को किसने मारा, ये कौन सा टेररिज्म है, अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस बॉम्ब ब्लास्ट, जालना बॉम्ब ब्लास्ट, नांदेड़, परभनी, ये सारे मालेगांव, ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने किए, तो उनको आप आतंकवादी क्यों नहीं कहते, ये पानसरे का मर्डर है, टेररिस्ट अटैक है, तो जिन्होंने मारा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो हिंदू हो या कोई हो, इन्होंने बोला ऐसा, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ब्रिगेडियर साहब यहाँ ये है कि ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एक अगर हमला होता है या कोई एक वाकया होता है या कोई एक ब्लास्ट होता है जिसमें कोई एक मुस्लिम नेम होता है, तो फौरन हमारा मीडिया और हमारा समाज और हमारे अखबारात एक नतीजे में पहुंच जाते हैं कि इसमें, मतलब विद इन आवर्स एक न्यूज़ आ जाती है कि इसमें IM का हाथ है। और जैसा आपने अभी कहा, इतने सारे कांड गिना दिए आपने, और आपने खुद कहा कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, इसमें कोई मुसलमान नहीं पाया गया, आज तक हम इन तमाम वाकयात को एक साथ इकट्ठा करके कोई नाम नहीं दे पाए, तो हम कम से कम हम तो नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे हिसाब से ना आतंकवाद हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, सिवाय तबाही के। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस आतंकवाद को इस्लामी नाम दिया, वो दूसरे आतंकवाद को दूसरा नाम क्यों नहीं दे पाते, और उसके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है, और उधर अजमेर में और यहाँ वहाँ ब्लास्ट होते हैं, किसी का नाम नहीं आता, इसको रोकने में क्या हमारा हिंदुस्तानी मीडिया जिम्मेदार है या हमारी हिंदुस्तानी सियासत जिम्मेदार है? जो मीडिया है वो पूंजीवादियों के हाथ में है, और ये जानबूझ के इसको किया जाता है, ये डेलिबरेट प्रोपेगेंडा है, गोबेल्स का प्रोपेगेंडा, मतलब जो पूंजीवादियों के टूल है, पूंजीवादियों के कोई, अभी क्या होते हैं लोग भी गुमराह हो जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम एक तो बना के रखा है इस देश में, तो हर चीज उस एंगल से देखा जाता है, और उस एंगल से फिर पॉलिटिक्स के लिए हमको ये वोट चाहिए वो वोट चाहिए, एक मारता है दूसरा आंसू पोंछता है, ये दोनों अभी इधर सापनाथ नागनाथ का खेल चल रहा है, इस बीच में ये सारा दंगा फसाद, ये 4S, ये आतंकवाद चल रहा है, कोई इसके लिए कुछ लड़ने के लिए कर नहीं रहा। आज का टॉपिक हमारा जो है वो हमें दूसरी तरफ लेके जाता है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, आतंकवाद के चेहरे पे एक मास्क लगा दिया गया है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ एक मास्क लगा दिया गया, एक फेस लगा दिया गया है जिसे इस्लामिक आतंकवाद या इस्लामिक टेररिज्म कहा जा रहा है। जैद खालिद साहब, अगर ब्रिगेडियर साहब की राय को सही माना जाए तो इस्लामी आतंकवाद नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि आतंकवाद के चेहरे पर एक मुखौटा लगा दिया गया जिसे इस्लामिक आतंकवाद या इस्लामिक इंतहा पसंदी का नाम दिया गया। मेरा आपसे सवाल यह है कि हम या मुसलमान कौम या वो कौम जो इस्लाम को मानती है,
उसने किसी को इतना मौका क्यों और कैसे दिया कि उसके चेहरे पर एक मुखौटा लगा दिया जाए और उसे तमाम दुनिया में इंतहा पसंद डिक्लेयर कर दिया जाए? बिल्कुल सही बात यह है कि अगर कहीं पर ब्लैंक है तो कोई भी वहां पे आके कुछ फिल कर सकता है। अगर इस्लाम क्या सिखाता है और मुसलमान क्या चीज़ को मानते हैं, ये चीज़ अगर मुस्लिम्स क्लियरली बता देते दुनिया के इंसानों को और क्लैरिटी रखते, एक कम्युनिकेशन होता, एक बात पैगाम सिर्फ पहुंचाया जाता। किसे क्या मानना है वो तो ऊपर वाले ने इख्तियार दिया है, वो तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन अगर ये पैगाम हम पहुंचाए होते, वहाँ पे खाली जगह नहीं होती तो कोई भी वहाँ पे आके कोई लेबल फिट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जब हम एक कम्युनिकेशन गैप रखते हैं, इस्लाम क्या सिखाता है वो चीज़ के ताल्लुक से एक अवेयरनेस आम मासेस में है ही नहीं, तो फिर जो भी कुछ भी कह दे ये धर्म आतंकवाद सिखाता है या ये रिलीजन ये सिखाता है, तो वो चीज़ वो लेबल आकर चिपक जाता है, वो लेबल आकर इस तरह से हम पर फिट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि कई सारी ऐसी ताकतें, फोर्सेस, लॉबीज रहे हैं, अभी नहीं हिस्ट्री में भी, जिनका एक मकसद था इंसानों में झगड़ा फैलाना, फसाद फैलाना, जंगों को फैलाना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, ये जो आज दुनिया में हो रहा है ये हिस्ट्री में होता आया है अलग अलग तरह से। लेकिन हम ये देखें कि इस चीज़ के अंदर करना क्या है। एक उस शख्स को जो इस चीज़ पर ईमान लाता है, अल्लाह पर, अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर, अल्लाह की भेजी हुई किताब पर, उसे क्या करना है, एक आम इंसान को क्या करना है? तो जो हम ये देखते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने बताया सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 64 कि वो लोग जंग की आग सुलगाते हैं और अल्लाह ताला उस आग को बुझा देता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो सुलगाते आए हैं और आते रहेंगे। लेकिन हम क्या करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर गौर करके इसके सोल्यूशन को जानें। मैं आपसे एक बड़ा चुपता हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ जी, जो शायद आपको परेशान भी करे। आम तौर पर जब इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है तो इस्लामिक टेररिज्म के साथ लफ्ज़ जिहाद को जोड़ दिया जाता है। आप ज़ाती तौर पर जिहाद और इस्लामिक टेररिज्म को कैसे अलग करेंगे? जी देखिए, जिहाद का डेफिनेशन, ये भी एक कम्युनिकेशन गैप है कि लोग जानते ही नहीं है कि जिहाद का डेफिनेशन क्या है। जिहाद के अंदर हम देखते हैं एक स्टेज ये भी होता है जब एक शख्स अपने खुद के अंदर जो बुरी चाहते होती है उसके खिलाफ जिहाद कर रहा है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे अफजल दर्जे का जिहाद ये है कि एक शख्स अपने नफ्स के खिलाफ, अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ जिहाद कर रहा है। इब्न हिब्बान में सही सनद से हदीस है। एक जिहाद वो भी होता है जब एक शख्स सच्ची बात किसी के सामने रखता है, सामने डरता नहीं है, यहाँ तक कि कोई जालिम बादशाह ही क्यों ना हो। हम देखते हैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्न माजा में सही सनद से कि अफजलुल जिहाद, सबसे बड़े फजीलत वाला जिहाद है कि कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर, कि एक जालिम बादशाह के सामने सच्ची बात को रखना, इंसाफ की बात को रखना एक सिस्टम के खिलाफ, तो ये भी एक तरह का जिहाद है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द हदीस। और हम ये देखते हैं एक वो स्टेज भी है जिसके अंदर फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आतंकवाद नहीं, आप अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे बच्चे करते हैं, हम करें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जिहाद एंड आतंकवाद, तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, हम अलग से देखेंगे। जो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि फोर्स वाला जिहाद होना ही नहीं चाहिए, तो उन्हें ये समझना है कि इस्लाम ने यहाँ तक सिखाया कि कैसे पूरी कंट्री रन कर सकते हैं। अब हम उन लोगों से कहते हैं कि क्या कोई भी कंट्री ये मानेगी कि हम बिलीव करते हैं पीस में, हम अमन में बिलीव करते हैं, इसी वजह से हम पुलिस नहीं रखेंगे, हम आर्मी नहीं रखेंगे, उन्हें भी फोर्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे? तो जाहिर सी बात है कि फोर्स यूज़ करना पड़ता है अमन कायम करने के लिए भी, क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहता कि अमन रहे। और इस तरह से आप दूसरे रिलीजन्स में भी देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बाइबल में भी तो दिया है, लूक चैप्टर 22 वर्स 36 में दिया है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने डिसाइपल से कहा कि जिनके पास स्वॉर्ड ना हो वो अपना गारमेंट बेच करके स्वॉर्ड खरीद ले। या जैसे मिसाल के तौर पर भगवद गीता में देखा जा सकता है कि कृष्णा एग्जॉर्ट कर रहे हैं अर्जुन से कि तुम अपने हथियार उठाओ और तुम लड़ो ये जंग जो पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो हम देखते हैं कि ये रिलीजन्स ने भी फोर्स वाला एक वॉरफेयर बैटल सिखाया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सर्टन सिचुएशंस में फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहां इजाज़त दी सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 190 में, वहां ये भी साथ में कहा कि हद तजावुज मत करना, क्योंकि अल्लाह ताला हदों को पार करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तो हम ये देखते हैं कि कुछ लिमिट्स है, जैसे लोग कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इस्लामिक कंसेप्ट में काट रहा हूं, यानी यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत एक्सट्रीमिज्म की मुखालफत कर रहे हैं एज फार एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स इज कंसर्न। देखिए कैसा है, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट और एक्सट्रीमली अच्छी फोर्स
वो अच्छी है और एक्सट्रीमली बुरी फोर्स ऑफकोर्स बुरी है, चाहे थोड़ी बुरी हो या एक्सट्रीमली बुरी हो, वो बुरी तो बुरी ही है. वो थोड़ी बुरी हम ये नहीं कहेंगे, थोड़ी बुरी चलेगी, एक्सट्रीमली बुरी नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ ये वर्ड्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है. आपने ये कहा कि इस्लाम का सही पैगाम, एक मिनट पटेल साहब, आपने ये कहा कि इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है. जी बिल्कुल सही. फिर उसके बाद आपने ये कहा कि जिहाद का जो मायने है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों तक सही पहुँच नहीं पा रहा है. बहुत अच्छी बात कही है सलीम साहब ने. ये अगर कम्युनिकेशन गैप है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, या ये मुस्लिम कौम जो है अपने मैसेज को और अपने अल्लाह के मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाई जो उसके साथ रहने वाले हैं, उसके समाज का हिस्सा? जी, सही इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का सही पैगाम जो है, या इस्लाम की क्लॉजेज का, लाइक जिहाद या फतवे, ये बड़े अजीब माने में इस्तेमाल होने लगे हैं अल्फाज. तो इसमें क्या हमारी कमी है, या हमने बहसियत मुसलमानों ने जो मीडिया है उससे बहुत देर से रुजू किया, या उन साधनों को या उन मींस को जिनके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते थे उनकी तरफ हमने पीठ मोड़े रखी और हम कहीं और देखते रहे, कहीं और मसरूफ रहे. आपकी क्या राय है इसमें? जी, आपके सवाल में कुछ हिस्सा जवाब का बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को ही खास करने की जगह हर वो इंसान जो एक सच्ची बात जानता है, जिस हद तक जानता है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस बात को पहुंचाने में कोई एक जरिया बने. सच्चाई की बात है, इंसाफ की बात है. यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा खाली मुस्लिम्स तक भी, एक कोई भी आम इंसान है वो भी ऊपर वाले का बनाया हुआ एक क्रिएशन है. ऊपर वाले के बहुत सारे एहसान हैं, और हम ये देखते हैं कि जब भी ऊपर वाले ने इंसानों की रहनुमाई के लिए रास्ते बताने वाले मार्गदर्शक, गाइड्स, पैगंबर, रसूल भेजें, तो हर इंसान के लिए ज़रूरी था कि कौन सच्चा है उसे पहचान कर, उस पर ईमान लाकर उसके मिशन को सपोर्ट करें. तो हम ये देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, बल्लिगो अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो. एक बात पता है तो एक बात आप पहुँचाएंगे, एक बात मैं पहुँचाऊँगा, और ये कम्युनिकेशन गैप बहुत आसानी से दूर हो जाएगा. क्योंकि फैक्ट ये है और सच्चाई ये है कि भाई हर इंसान का एक संबंध, एक रिलेशन है दूसरे के साथ. एक ही खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, एक ही आसमान के नीचे हम रहते हैं, एक ही ज़मीन पर रहते हैं, और ऐसी फोर्सेस है जो चाहते हैं कि इंसानों के अंदर ये पीस और अमन कायम ना रहे, और झगड़े और फसाद और टेररिज्म और आतंकवाद और इस तरह की प्रॉब्लम्स फैले और लोगों में इत्तेफाक ख़त्म होने की वजह से फाइनल रिजल्ट बहुत ही भयानक रहेंगे सारे इंसानों के लिए. ये फसाद अगर हम लोग नहीं समझेंगे, अगर हम इसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इसके बहुत ही डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सारे इंसानों के लिए, अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो. मैं अभी देखिए, जो बहुत अच्छा बात इन्होंने रखी, जो गैप इन कम्युनिकेशन की, ये गैप इन कम्युनिकेशन क्यों है, इसकी वजह ऐसी है कि रिलीजियस मैटर जो है ये व्यक्तिगत मैटर है, आपस में वो अलग है. और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में सभी रिलीजन को, सभी लोगों को अपना मजहब की सेवा करने का इजाजत दी है, कोई रोक नहीं सकता मानने का, प्रैक्टिस करने का इजाजत. लेकिन रिलीजन को अगर जब आप सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में लेके जाते हैं, यूसेज शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, फिर उसका एक संघर्ष शुरू हो जाता है. और इधर यही हो रहा है, ये सोशल मैटर है समझो, अगर कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, तो सोशल मैटर में हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते, या पॉलिटिकल मैटर में एक क्यों नहीं हो सकते, या इकोनॉमिक मैटर में एक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप में एक दरार पैदा की है, और खास करके दरार 1979 से ज्यादा शुरू होगी. कोल्ड वॉर जीतने के लिए अमेरिकन हुकूमत ने, सोवियत संघ ने जब आक्रमण अफगानिस्तान में किया, तो जिहाद का नारा अमेरिका ने दिया है, दूसरों ने नहीं दिया है. बात है, बहुत जबरदस्त बात. ब्रिगेडियर साहब ने जिहाद शुरू किया, जिहाद का. लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, हमसे मतलब यहाँ का जो नहीं, वो बराबर है. हाँ, क्योंकि आज देखिए, आज इतना डिवाइड आ गया है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम धर्म के नाम पर भी अलग हैं, हम सोशली भी अलग हो गए हैं, हम इकोनॉमिकली भी अलग हो गए. मतलब जो खाई है, जो खलीज है, वो इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को देखा है ना. क्यों हुआ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ. हमारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि हमने अपने आप को इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी. इसके एक रास्ता ऐसा है जो भाई साहब ने बोला, पटेल साहब ने बहुत अच्छा उन्होंने इसका एनालिसिस किया है, कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंगल पर हम लोग ने एक साथ काम करने की शुरुआत कर, एक साथ काम. और कोई भी काम लो, हिंदू मुस्लिम साथ में आके जब करने लगेंगे गली गली में, तो ये दरार जो है वो खत्म होगी. और जो भाई साहब बोलते हो गैप इन कम्युनिकेशन, और शिवाजी का नाम से अभी इधर बोल रहे ना, तो अफजल खान को देखने के बाद हिंदू लड़का डर जाता है, शिवाजी को देखना मुस्लिम लड़का डर जाता है. लेकिन हिस्ट्री अलग है, शिवाजी के दो बॉडीगार्ड मुस्लिम थे जब अफजल खान को मिले थे,
और अफजल खान के दो बॉडीगार्ड मराठा थे मोहिते, जब इनको मिले थे। अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी और शिवाजी का वकील था काजी हैदर। शिवाजी के तीन सिपे सलार मुसलमान थे, वाकई था नूरखान बेग, इब्राहिम खान, दरिया सारंग, बहुत सारी फौज थी। तो इधर क्या क्या शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जब उनकी आधी फौज वो थी, उनके बॉडीगार्ड 600 पठान थे। और फिर ये जो गलत फहमी इन्होंने बोला, जो हिस्टोरिकल मैटर से, आज हिस्टोरिकल मैटर शिवाजी का नाम से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही, ये हमको जॉइंट प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। और फैक्ट ये है ना कि कितना आसान है कि हम दोनों या सारे इंसान साथ में बैठें और बात करें कि देखिए मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि सही बात है, आप क्या जानते हैं, मैं ये मानता हूँ कि भाई हम सबका मालिक एक है, आप क्या कहते हैं। और कितना आसान है कि ये सारे डिफरेंसेस पैदा हो गए, इतने बड़े बड़े दूरियां पैदा हो गई, उसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। किसी आयत का भी मफहूम है, मुझे याद आ रहा है, कम टू द कॉमन टर्म्स। बिल्कुल, कुरान की आयत भी है कि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ एक ऐसी चीज पर जो तुम्हारे और हमारे बीच में कॉमन है। तो जैसे माहौल बने टेररिज्म से निपटने के लिए सलीम अलवारे साहब, क्योंकि आप नौजवान तबके के लिए काम करते हैं, नौजवान तबके के मसाइल से निपटने के लिए काम करते हैं, आप नौजवान तबके के करीब हैं, उनकी सोच, उनकी ज़हनियत और उनके काम करने के अंदाज को पहचानते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि नौजवान तबका इस आतंकवाद की प्रॉब्लम को किस तरह से देखता है, आज का नौजवान किस प्रॉस्पेक्ट में देखता है और क्या समझता है, इसको बुराई समझता है, इसको प्रॉब्लम समझता है या सोल्यूशन समझता है, इसको बुराई समझता है या बुराई से निपटने का तरीका समझता है, इसको जिहाद समझता है या इसको कोई बुरी शय समझता है। मैं आपकी बात का मुकम्मल जवाब देना चाहूँगा। एक तो एक बात दुरुस्त है कि हमारी जो इस्लामिक मशीनरी है इस मुल्क की, वो अपना पैगाम गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमानों तक भी पहुँचाने में नाकाम रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। यानी इस्लाही प्रोग्राम नहीं, इस्लाही प्रोग्राम नहीं, हम लोग फिरके में बटे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे में आपस में गलत फहमियाँ पैदा करने और एक दूसरे को बुरा भला कहने का काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं इस तरफ आऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सो कॉल्ड टेररिज्म, आप इसको एक नया टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं कि सो कॉल्ड टेररिज्म, पॉलिटिकल लोग जो है ना उसको पॉलिटिसाइज किया गया है, सो कॉल्ड टेररिज्म को पॉलिटिसाइज किया गया है ताकि इक्तदार की सीढ़ी तक पहुँचा जाए, और इस वजह से कई लोग इक्तदार की सीढ़ी पर पहुँच भी गए, और मुझे लगता है ये सिलसिला थम जाना चाहिए। नौजवानों की जहाँ तक बात है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव में बात करूँगा, एक हिंदू नौजवान, एक मुस्लिम नौजवान, और फिर मैं दोनों की बात करूँगा। हिंदुओं के जहन में ये बात बैठ गई है कि मुसलमान नौजवानों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको दहशतगर्द बनाने के लिए बाकायदा मदरसे और स्कूल खोले जा रहे हैं, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। एक आरटीआई में हमने पूछा था, आप भी सुन लीजिए सावन साहब, कि हिंदुस्तान में जितने जो हज़ारों मदरसे हैं, अरबी मकतब हैं, क्या इसमें किसी अरबी मदरसे में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई है आज तक पिछले 25-30-40 सालों में? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जवाब है कि आज तक किसी भी अरबी मदरसे में, किसी भी इस्लामिक स्कूल में हमको टेररिज्म का कोई सबूत नहीं मिला है, आज तक कभी हमको हथियार नहीं मिले। लेकिन हालात इस तरह के बनाए गए कि गैर मुस्लिम कोई भी हो, खुसूसन इस मुल्क का हिंदू ये सोचता है कि जो ये मदरसे हैं, ये जो मदारे से ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, और इसकी असल वजह ये है कि मैंने ये कहा कि फिर मैं दोहराऊंगा कि इस्लामिक मशीनरी अपना पैगाम हमारे जो बरादरान वतन है उन तक पहुँचने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अब मैं मुस्लिम नौजवानों की तरफ आ रहा हूँ। मुस्लिम नौजवान इस मुल्क का ये महसूस कर रहा है कि जो चंद लड़के इस तरह के वाकयात में मुलविस है या नहीं, लेकिन इन पर इल्ज़ामात लगे हैं, तो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये हमारे जनरल दूसरे नौजवानों को लगता है कि ये नौजवान चूँकि इन पर मुजालिम होते रहे हैं, हालात इस तरह के आते रहे हैं, इसलिए इन लड़कों का या इन नौजवानों का झुकाव टेररिज्म की तरफ हुआ है। इसको हुकूमत को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। और क्यों हो रहा है इस तरह के, भले 5 नौजवान हो, भले 4 नौजवान हो, भले 10 नौजवान हो, इनका झुकाव टेररिज्म की तरफ क्यों गया? ये टेररिज्म में जैसा कि इल्ज़ाम लगाए गए हैं इन पर, जैसा कि उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको जेलों में ठोसा गया है, कितना सही कितना गलत, अगर ये सही भी है, अगर ये गलत है तो इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलत नौजवानों को फंसाने से ये होता है कि फिर मुसलमानों को ये लगता है कि उनके साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। इस मुल्क में जो इंसाफ का पैमाना है वो अलग अलग है, जुदा जुदा है, इसलिए इस बात का अमकान भी हो सकता है कि मजीद हमारे नौजवान गुमराह हों, लेकिन इस नौजवानों को गुमराही से बचाने के लिए हमारी जो इस्लामिक मशीनरी है उसको भी मैदान में आना चाहिए, और हमारी जो सरकार है उसको भी इसको बहुत ही सीरियसली लेकर के जिन नौजवानों पर जुल्म हुआ है
जिन लोगों को जेलों में ठोसा गया है बिला सबब, उन लोगों को रिहैबिलिटेशन, जैसा इन्होंने कहा कि मैंने बहुत कामयाब रिहैबिलिटेशन किया हूँ, हकीकी दहशतगर्दों को मैंने फौज में लाया है, तो क्या हम हमारे वो नौजवान जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुए हैं या गलत फहमी का शिकार है, क्या हुकूमत उनको उनकी रेटिफिकेशन या हुकूमत उनको करेक्टिव उसके तहत कोई एमिनिटीज वगैरह देकर क्या उनको सही हिंदुस्तानी नहीं बना सकती? वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये जो बात है कि बहुत कॉमन ट्रेंड इस तरह से कि लोग ये कहते हैं कि जुल्म हुआ है और इस जुल्म की वजह से कोई आतंकवाद की तरफ चला गया, लेकिन बहुत कुछ इसमें अजम्पशन है। हम देखते हैं 2012 में इटसेल्फ ये इस तरह की मीटिंग्स वगैरह मिली काउंसिल वगैरह ने रखा था, जिसके अंदर तकरीबन 300 ऐसे केसेस जमा करके बताए थे जिसके अंदर फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था अपेरेंटली, और ऐसे केसेस साबित भी हुए। मैंने वही कहा जी कि वो थे मुलविस या नहीं थे, पर उन पर इल्जाम लगे, इसकी कसे तो इनकार नहीं कर सकते ना। अखबारों में तस्वीरें आई, मीडिया ने एक घंटे के प्रोग्राम चलाए, ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, फलाना है, अमका है, ढमका है। अब उन लोगों को उनके करियर तबाह हो गए, 8 साल 10 साल के बाद उनको जेलों से छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। अच्छा, मैं यहाँ पर तमाम तीनों मेहमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आमतौर पर हमारे समाज में दो किस्म की मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हर वो मुसलमान जो किसी ऐसी एक्टिविटी में पकड़ा जाता है वो टेररिस्ट है, उसका कोई ना कोई लिंक है कम या ज़्यादा। और एक वो जहनीत के लोग हैं जो ये समझते हैं कि कितने बड़े ब्लास्ट में कितने ज़्यादा सबूतों के साथ पकड़ा गया कोई भी मुसलमान जो बच्चा है या लड़का है या कोई आदमी है वो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता, उसे फंसाया गया। इन दो सोचों की, अलग अलग सोचों की वजह क्या है और इनमें सच्चाई कितनी है और इन्हें कैसे एक दूसरे के करीब इन दो सोचों को ला के ख़त्म किया जा सकता है? इसमें दो इशू इसमें आते हैं। जुल्म हुआ है, हुआ है, लड़कों में एक गुस्सा है, मैंने देखा है ना कश्मीर में, तो मैं तो यही इसमें ही था है एक मिनट, वो कश्मीर का मैंने देखा, तो ये जो एंगर है ये किसी वजह से हो सकता है, एंगर बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज, एंगर बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर बाय द पुलिस, एंगर बिकॉज ऑफ रोटी कपड़ा मकान, तो इसका रिएक्शन होता है। और रिएक्शन सिर्फ मुस्लिम क्यों, हिंदू लड़के इतने क्यों टेररिस्ट है? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये एंगर टेररिज्म में बदल सकता है? हाँ, तो एंगर है वो बदलता है, ये एक मैटर है। दूसरा मैटर, एक मैं सारे आवाम से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि एक मुस्लिम प्रॉब्लम बल्कि मत देखना, ये एक भारत का प्रॉब्लम है, और मैं भारत का सिटीजन होने के नाते, आप भारत के सिटीजन होने के नाते, हमको एक दूसरे से मदद करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि जॉइंट प्रॉब्लम जो है रोटी कपड़ा मकान के, एम्प्लॉयमेंट, क्यों मुस्लिम बच्चे पुलिस में नहीं है? मुस्लिम बच्चों को पुलिस में जाना चाहिए, मुस्लिम बच्चों मिलिट्री में जाना चाहिए। मैंने 8,000 लोगों को किया है। यहाँ मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक ब्रिगेडियर साहब, आप बड़ी बेबाकी से बोलने वाले इंसान है, ये मुस्लिम बच्चे पुलिस में नहीं है, इसका रीजन क्या है? खुद मुस्लिम बच्चे या वो सिस्टम जो पुलिस में भर्ती नहीं? रीजन एक मैं देखा है, दो तीन रीजन है। एक रीजन मुस्लिम कौम का ये ऐसे लगता है कि हमारे लोग को लेंगे नहीं। दूसरा, थोड़ा कल्चरली एक अलग अलग काम में लगे हुए हैं लोग, तो जहाँ पैसा मिलता है तो इसलिए वो हो सकता है। हमारे गांव के कई मुस्लिम बच्चे जो पुलिस में गए बहुत कामयाब रहे, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके चैनल के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्रेनिंग देके इनको एग्जाम में बिठाइए, आप देखेंगे कि ये बदल जाएगा। तो कुछ तो कोशिश हर साइड से होनी चाहिए, मैं करूँगा कोशिश अभी कितने लिए अभी। दूसरा, इसलिए जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स है, मुंबई के कितने प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे पानी के, इसके उसके झोपड़पट्टी के, क्यों हिंदू मुस्लिम एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ते नहीं है? कॉमन इश्यूज को लेके, मतलब आप एक ऐसे भारत का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें हिंदू समाज की समस्याओं के लिए मुस्लिम लीडर लड़े और मुस्लिम समाज की समस्याओं के लिए एक हिंदू लीडर लड़े। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे गांव में पंचायत समिति का इलेक्शन था जैसा कॉरपोरेशन का होता है, तो मैंने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, कितने वोट थे? 50। टोटल 5,000 में 50 वोट मुस्लिम। वो मेरे को लोग बोले, ये तुम क्या कर रहे हो, इधर मुस्लिम है नहीं यार, तुम उनको खड़ा कर रहे हो। मैं बोला, मेरे गांव से मिसाल जानी चाहिए पूरे देश में कि जिधर मुस्लिम नहीं है उधर मुस्लिम चुन के आया। आपको बता दो, सबसे बड़े मार्जिन से नादिर शाह पटेल मेरे यहाँ चुन के आया। ये क्या है, इसको हिम्मत लगती है, हार जीत नहीं देखना होता है, कभी कभी आपको मिसाल डालनी पड़ती है अपने घर में। ये चीज़ मुस्लिम लीडरशिप भी करनी चाहिए, हिंदू लीडरशिप भी करनी चाहिए। अच्छी बात, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की अभी, और हमें ये बताया कि समाज में फैला हुआ इनजस्टिस और ज़्यादतियाँ और नौकरियों का ना मिलना और उनके साथ
लगाए गए गलत इल्ज़ाम और उनको बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजाएं या जेलें। मैं अपने सवाल को किसी दूसरी तरह से दोहराता हूं कि ठीक है, ये साजिशें हैं, लोग मुसलमानों के नाम लाते हैं ये साबित करने के लिए कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, इनकी पहचान ये है, इनका मज़हब ये है, इनका मज़हब इन्हें आतंकवाद की तालीम देता है। लेकिन सवाल ये है कि हम उसे रोकने के लिए कर क्या रहे हैं? अगर लोग सोशल मीडिया पे, अगर लोग मीडिया पे या दूसरे ज़राए अब्लाग पर मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं, तो मुसलमान इस साजिश से बचने के लिए क्या कर रहा है? क्या वो सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं है? क्या वो मीडिया से उतना जुड़ा हुआ नहीं है? या वो कहीं ना कहीं उसके जो तौर तरीके हैं, उसका जो कम्युनिकेट करने का ढंग है, वो पुराना है और वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा? जी, मैं समझता हूँ कि हर किसी की जो ज़ुबान है ना, ये बेस्ट मीडिया है, और ये ज़ुबान अगर खोलने लगे, बात करने लगे, एक सच्ची बात, सच्चाई की बात, वो बात पहुँचाएँ, तो ये मीडिया से लोगों का जहन बनेगा, क्योंकि ये है वर्ड ऑफ माउथ। और हर अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह है, आज तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन टूल आ गया है, और चाहे वो सैटेलाइट लेवल मीडियम या जिस किसी तरह से एक इंसान जरिया बन सकता है एक सच्ची बात को पहुंचने में, एक नाइंसाफी को रोकने से। और इंडिया के तौर पर, क्योंकि सच्ची खैर खाई इस्लाम ने सिखाया है कि जहाँ रहते हो, सारे अंबिया ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं तुम्हारा अमानतदार, सच्ची सिंसियर एडवाइस देने वाला हूँ। तो मुस्लिम जो होता है वो एक जगह का खैरखा होता है, जहाँ रहता है वहाँ का सच्चा सबसे बड़ा खैरखा वहाँ का रहने वाला मुस्लिम होता है। तो वो मुस्लिम को वैसा बनना चाहिए, दुनिया के इंसानों के साथ, अपने खास अपने लोगों के साथ, और पड़ोसी का हक जो कहा गया है, तो पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबके साथ अच्छा करना, तो एक अमली दावत है ये। जी, क्या खूबसूरत समाज बनता है, और एक ऐसा समाज बनता है कि जिसमें आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। आइए ब्रिगेडियर साहब से सवाल करते हैं कि ये जो हिंदुस्तान में आतंकवाद है, क्योंकि आपकी तमाम दुनिया की सियासत और तमाम दुनिया के हालात पर बड़ी गहरी नज़र है, ये जो हिंदुस्तान में मौजूद आतंकवाद है और ये जो बाकी तमाम दुनिया में मौजूद आतंकवाद है, इसमें क्या फ़र्क? नहीं, फ़र्क तो कोई नहीं, वो एक रिजल्ट है आज की व्यवस्था का। मतलब मैं पहले, अभी लोग सुनते नहीं सुनते मुझे पता, जैसे कि अभी मैंने बोला सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद किया अमेरिका ने, और सारे सऊदी अरब ऐसे के लेके सब लोग उधर आए, और जिहाद का वो चलते रहा, फिर 9/11 का भी परिणाम उसका हुआ। मुझे एक अपील करना है, इसके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए, और सोल्यूशन में कहाँ देखता हूँ, भारत के संविधान में देखता हूँ। भारत के संविधान मतलब किस लिए, इस सब चीज़ का, आपके सब प्रश्न का उसमें उत्तर है। दुर्भाग्य से संविधान लागू नहीं करते हो, खत्म करने के चक्कर में। रिलीजियस मैटर में सभी लोगों ने आप अपने जो मर्यादा है और अपना रिलीजन को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। मतलब कुरान का पालन अगर कोई करता है तो गलत कर ही नहीं सकता, बेसिक चीज़ है। तो इसलिए गीता का पालन करता है वो भी गलत नहीं कर सकता, उसमें क्या लिखा है मैसेज कि अपना ड्यूटी करो, फल की अपेक्षा मत करो, ये गीता का एक सेंट्रल मैसेज है, और उसमें कोई भगवान ये वो मूर्ति कुछ भी मेंशन नहीं है। दूसरा चीज है, सोशल मैटर में हम लोग को प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे, सोशल एंगल में हमको प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको शिवाजी का मैटर, वो तो पता नहीं मुसलमानों को, याकूब बाबा इधर के खेड़शी मतलब दापोली, 600 एकड़ जमीन शिवाजी महाराज ने दी, आज तक है। ये चीज को जो उजागर करने की बात, ये जो इंटेग्रेटिव सब्जेक्ट्स है सोसाइटी में, हम लोग को प्रोग्राम्स लेने चाहिए, समाज को अच्छा करने के लिए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। ये जो हो रहा है अभी, क्या घेटो बन गए, एक जगह सारे जगह मुसलमान रह गए, दूसरे हिंदू रह गए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। दूसरा है इकोनॉमी, देखो सबसे बड़ा रुपया आखिर में, ये सारा फसाद पैसे के लिए है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, जो इनइक्वेलिटीज ऑफ इनकम निकालने की बात संविधान में कही है या कुरान में, इंसानियत का मसला उसमें दिखा है, तो इकोनॉमिक वेलफेयर सबका होना चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्राम हमको लेना चाहिए। तीसरा है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल अभी ऐसा है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम पार्टी निकालते जाता हूँ, मैं मराठा हूँ, मराठा पार्टी निकालता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये पॉलिटिकली डिवीजन करने का साजिश हम लोग क्या कर रहे हैं, दुश्मन करा रहे हैं और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको साथ में आके करना पड़ेगा। टॉपिक इतना सेंसिटिव है, और हमारे पैनल पे जो मेहमान हैं इस कदर काबिल और इस कदर बारीक नज़र रखने वाले लोग हैं, कि इस शाम को ख़त्म करने का दिल तो नहीं चाहता, मगर कमबख्त ये घड़ी की सुइयाँ चलती रहती हैं, रुकती नहीं, इसलिए हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ दवा हैं। आखिर में मैं तीनों मेहमानों से 30-30 सेकंड में एक सवाल का जवाब चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि तमाम दुनिया के सामने आज जो सबसे बड़ा दुश्मन, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है आतंकवाद। इसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं,
वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से ढंग हैं, वो कौन से ढब हैं कि जिन्हें हम अमल में ला के, जिन्हें हम अडॉप्ट करके इस आतंकवाद नाम के दुश्मन को मार डालें। ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहली बात इसमें लीडरशिप का मसला है। हमने बहुत अच्छी चीज़ बोली, आपने बोली, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? और इसलिए आपको अपने समाज में लीडरशिप निर्माण करनी पड़ेगी। और ये जरूरी नहीं है कि मैं कोई कौम का है इसलिए मैं मेरा कौम का अच्छा करूँ। जनरली वो तोड़बाजी करते हैं कौम के नाम पर कि मैं लीडर हूँ, मैं मराठा हूँ, जे ये करो मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। इसको आपको क्रॉस रिलीजन क्रॉस है कि लीडरशिप इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज वो नहीं है इस देश में, आज छुड़वे लीडर बन गए हैं। और इसलिए बेसिक मसला उस लीजिए, आप देखो ना आतंकवादी हमला हुआ 2008 में, सारा पुलिस सारे गवर्नमेंट मशीनरी तबाह हो गए और फिर ये आके तुमको पकड़ते हैं। तो इसलिए लीडरशिप का मसला, और मैंने जो बोला सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंगल पर हमको एक साथ काम करना पड़ेगा, यही रास्ता। थैंक यू सर। सलीम अलवारे साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप नौजवानों के साथ काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, वो कौन से तरीके हैं या वो कौन सी बातें हैं जो आप इस मुल्क के नौजवानों से बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि मेरे देश के नौजवानों, मेरे मुल्क के नौजवानों, इन तरीकों को इख्तियार करो तो आतंकवाद से निपटा जा सकता है, आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है। मेरे मुल्क के नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आपस की नफ़रतें जो इलाकाइयत या मज़हब के नाम पर पैदा की गई हैं या पैदा की जा रही हैं, उससे अपने आप को दूर रखें और अपने आप को उसमें मुलविस न करें, रोकने की कोशिश करें। कुछ ताकतें हैं इस मुल्क में जो हमारे समाज का ताना बाना ख़राब करना चाहते हैं, कहीं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, कहीं दलित हिंदू के नाम पर, कहीं सिख ईसाइयों के नाम पर इस तरह का फसाद फैलाना चाहते हैं। इसमें उनके अपने सियासी वजूहत हो सकती हैं, माशी वजूहत हो सकती है कि उसमें उनको क्या एडवांटेज हो सकता है या उसमें उनको क्या बेनिफिट हो सकती है, उस पर इस वक्त बहस नहीं की जा सकती। लेकिन आज हमारे मुल्क का नौजवान जो है अगर आगे आए, इन्होंने घेटोइज़म की भी बात की, घेटोइज़म से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा अगर नौजवान आगे आए, आपस में तालमेल बढ़ाए, खुशियाँ सब बांटे, एक दूसरे के गम में तमाम लोग शरीक हों, खुसूसन वो नौजवान, क्योंकि जो भी मामला होते हैं, चाहे वो फसाद का मामला हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, इसमें मुलविस जो होते हैं वो नौजवान ही होते। तो हमें सबसे पहले नौजवानों को पैगाम देने की ज़रूरत है, नौजवानों के असलाह की ज़रूरत है, नौजवानों तक एक मुस्बत पैगाम देने की ज़रूरत है। तो मैं इस मुल्क के नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी आँखें खोलो, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने खुद की तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए आगे आओ। बाकी तमाम इख्तलाफात, तमाम दुश्मनियाँ, तमाम कोताहियों को भूल जाओ। और आप लोगों को जो लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारो। शुक्रिया। जैद खालिद पटेल साहब, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप इस्लामिक स्पीकर हैं और उस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं जिस कौम पर आतंकवाद का इल्ज़ाम है, जानना चाहता हूं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस कौम को कि ये अपने आप को किस तरह उन साजिशों से बचाए जो साजिशें इस कौम को आतंकवाद नाम की इस बुराई या इस इल्ज़ाम से निपटे। देखिए, इसमें मेरा आंसर वही मास्टर की है जिससे कि सारे ताले खुल जाएंगे। कई बार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं और कोर तक नहीं जाते हैं। तो कोर इसका ये है कि एक इंसान का कनेक्शन उसके मालिक के साथ, अगर एक इंसान का कनेक्शन उसके क्रिएटर के साथ अच्छा हो गया तो वो अच्छाई के रास्ते पर चलेगा उसके मालिक के लिए, ना कि बिकॉज पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस नहीं देख रही है और पॉलिटिशियंस के साथ टच और कंट्रोल है और पब्लिक मेरी इतनी कंट्रोल में है, तो भी क्यों कोई आतंकवाद ना फैलाए, तो भी कोई क्यों गलत चीज़ ना करें। तो हम देखते हैं कि ऊपर वाले के साथ उसका कनेक्शन सही हो जाए, और ये सबसे बुनियादी बात है। अपने रब से अपने ताल्लुक को जोड़े रखें और उसके बताए रास्ते पर चलते रहे, यकीनन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ना रास्ते में आतंकवाद आएगा, ना रास्ते में बुराई आएगी, ना रास्ते में कोई गहरी खाई आएगी। दोस्तों, ये था आज का बहुत खूबसूरत डिस्कशन, और इससे एक ही बात निकल के आई कि ये जो आतंकवाद है, ये जो टेररिज्म है, ये जो इंतहा पसंदी है, ना ये हिंदू का दुश्मन है, ना ये मुसलमान का दुश्मन है, ना ये सिख का दुश्मन है, ना ये ईसाई का दुश्मन है, बल्कि ये इंसानियत का दुश्मन है। ये जहाँ होगा वहाँ फ़ायदा किसी का भी हो, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का होगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के इन दो मिसरों के साथ आज की शाम और आज की इस महफिल को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह हाफ़िज़।